दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्फोट जारी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,827 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2,64,000 के पार पहुंच गया, जबकि बीमारी के कारण 24 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 5,147 हो गई। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 से अब तक उभरे कुल 2,24,375 लोगों में से 50% से अधिक लोग घर में होम आइसोलेशन में रहते हुए ठीक हुए हैं। मई के पहले सप्ताह से 23 सितंबर तक कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले कुल 1,34,113 लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया, जिसमें से 1,13,374 को प्रोटोकॉल के अनुसार छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार की होम आइसोलेशन की सोच बढ़ते मामलों को संभालने के लिए बहुत ही उपयोगी तरीके के तौर पर सामने आई है। आपको बता दें, सरकारी आंकड़ों के अनुसार होम आइसोलेशन कर रहे सबसे अधिक 3,077 उपचाराधीन कोविड-19 रोगी पश्चिम जिले के हैं। इसके बाद 2,261 रोगी उत्तर पश्चिमी जिले के, 18,044 दक्षिण पश्चिमी जिले में, 18,008 दक्षिण जिले में और 1,710 पूर्वी जिले में हैं। आंकड़ों के अनुसार होम आइसोलेशन में सबसे कम 759 कोविड-19 रोगी उत्तर पूर्वी जिले में हैं और 989 मरीज नई दिल्ली में हैं, जबकि बाकी जिलों में इनकी संख्या 1,000-2,000 के बीच है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।